इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्टी रेक्शन को एक्सप्लेन करने वाले हैं तो पूरी ऑर्गेनिक की आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी तो ऑर्गेनिक में से कैसे उनकी रिएक्शन को आपने याद रखना है वो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को शॉर्ट रखें बट पूरा इन्फॉर्मेटिव रखें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में ही कवर होने वाले हैं सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारी सबसे पहली रिएक्शन है इसमें दैट इज दडिशन रिएक्शंस तो अडिशन रिएक्शंस होती हैं अभी अलकाइल हलाइट्स में से तो जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर प्रोपीन सो दिस इज दी प्रोटीन तो प्रोपीन में हमने अगर एच बी आर यानी कि एच एक्स को एड किया ये एच बी आर है आप लोग इसे एच एक्स एच सी एल एच बी आर वगैरह इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ्स रूल हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जाएगा फोर दी सो so, ये हमारा जो हाइड्रोजन है ये जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है यानी कि हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये जो बी होगा वो इसके पास जाएगा तो अगर हम लोग कोई परसाइड वगैरह इस रिएक्शन में ना ऐड करें तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ तो यहां पर बन गया सी और बी इसके साथ अटैच हुआ तो यहां पर बन जाएगा यहां पर अटैच हो जाएगा बी सो दिस बिकम्स दू ब्रोमो प्रोपेन तो मैन तो एक बात और इंपॉर्टेंट है भी आपको इन सभी रिएक्शंस को अच्छे से याद करने के लिए यूज करने के लिए बेसिक आईयूपीएस नेमिंग आती हो कि किस कंपाउंड का नाम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उससे आपकी ये सभी रिएक्शंस ईजीली हो जाएंगी ठीक है तो सबसे पहले ये हमारे पास बन चुका है टू प्रोपेन अगर हम लोग इसी रिएक्शन में एच बी आर एड करें और इसमें ऐड कर दें साथ में परऑक्साइड ऑर्गेनिक परऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि बेंजोइल परऑक्साइड तो ये सिर्फ एच बी आर के केस में ही शो होगा परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं इसको अगर हम लोग इसको यूज कर लेते हैं तो क्या होगा तो इसकी एडिशन ऑपोजिट हो जाएगी तो ये जो हाइड्रोजन है ये फिर ऐड होगा इस दूसरे कार्बन के साथ और बियर एड हो जाएगा इस कार्बन के साथ तो हमें यहां से ऑबटेन होगा वन ब्रोमो प्रोपेन सो इसको बोलते हैं परोक्साइड इफेक्ट एंड ऊपर वाला है हमारा मार्कोनिकोव रूल तो परोक्साइड इफेक्ट को ही एंटी मार्कोनिकोव रूल भी बोल देते हैं इतना क्लियर है अभी चलो सो so, आगे है हमारी अगली रिएक्शन है अल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं अल्काइल हलाइट्स तो ये थे हमने अल्कीन से अल्काइल हलाइट्स बनाए अल्कोहल से भी अल्काइल हलाइट बना सकते हैं ये हमारे पास है जर्नल फार्मूला अल्कोहल का अल्कोहल के जनरल फार्मूले में आर ओ एच हमने यहां पर लिखा है आर का मतलब है यहां पर कोई भी अल्काइल ग्रुप आप लोग यूज कर सकते हैं जैसे कि एक कार्बन वाली चेन हो सकती है दो कार्बन वाली चेन हो सकती है कोई भी आप लोग यहाँ पर चेन की एग्जाम्पल बना सकते हैं दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन कोई भी आपको आ भी सकती है ठीक है तो सभी के लिए हमने जनरल को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है तो यहां पर अल्कोहल में हम लोग ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक जिंक क्लोराइड क्लोराइड तो क्या होगा OH की जगह पर सीएल अटैच हो जाएगा और हमें यहाँ से एच टू साथ में फॉर्म हो जाएगा तो हमें यहाँ से अल्काइल हलाइट मिल जाएंगे तो इसको बोलते हैं ग्रूव प्रोसेस इसके अलावा ऑप्शन है हम लोग इसमें पीसीएल फाइव एड कर सकते हैं वो भी ओ OH एच को रिप्लेस कर कर वहां पर आर सी एल बना देगा अल्काइल क्लोराइड बना देगा और साथ में बनेगा पीओ ठीक है फोस्फोरस ओक्सी क्लोराइड तो अगर हम इसमें ऐड कर दें PCl3 वो भी यहाँ पर अल्काइल हलाइड बनाएगा और साथ में बना देगा H3PO3 ये रिएक्शन PBr3 के साथ भी हो सकती है ठीक है और इसके अलावा हम लोग अल्कोहल में ऐड कर सकते हैं SOCl2 सो व्हाट इज दिस SOCl2 दिस इज थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है ये थायोनाइल क्लोराइड इसको ऐड करेंगे तो अल्कोहल से हमें अल्काइल हलाइट मिलेंगे साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और एच जो के दोनों ही गैस फॉर्म में फॉर्म होंगी और वो स्केप कर जाएंगी इसलिए इस मेथड को हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अल्काइल हलाइड ही वहां पर रिमेनिंग बचेगा बाकी के दोनों प्रोडक्ट एज ए गैस वहाँ से स्केप कर जाएंगे ठीक है तो ऐसे आप लोग अल्कोहल से अल्काइल हलाइट्स को बना सकते हैं तो आगे चलते हैं हमारी थर्ड दैट इज हेलोजन हेलोजन एक्सचेंज एक्सचेंज को exchange किया जाएगा अदला बदली की जाएगी तो हमारे पास है Rx, तो Rx होता है अल्काइल हलाइट्स का जनरल फार्मूला ठीक है तो अल्काइल हलाइट का जनरल फार्मूला हमारे पास आर एक्स है तो हम लोग यहाँ पर एक्स की जगह पर क्लोरीन या फिर ब्रोमिन को यूज कर सकते हैं यानी कि क्लोरो कंपाउंड्स या फिर ब्रोमो कंपाउंड्स हमें बनाने हैं फ्लोरो एंड आइडो कंपाउंड्स तो X की जगह पर आयोडीन अटैच करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो इससे क्या होगा X की जगह पर आयोडीन अटैच हो जाएगा और एन ए की जगह पर Na x बनेगा यानी कि आयोडीन और X ने अपनी पोजीशन को मतलब अदला बदली कर ली एक्सचेंज कर लिया है X यानी कि Cl या Br आर की था पर आयोडीन आ जाएगा और आयोडीन उनकी जगह पर अटैच हो जाएगा और हमें आइडो अल्के से मिल जाएंगे इसको बोलते हैं फिंकल स्टीन रेक्शन तो नाम याद कर लेना भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे ही अगर हमें बनाने हो फ्लोरो अल्केगा एच जी टू एफ टू एक रीजेंट और दूसरा ऑप्शन है ए जी एफ और भी कई ऐसे रीजेंट्स आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं बट मोस्टली यही दोनों पूछे जाते हैं तो फिर से हमें क्या करना है एक्स को फ्लोरिन के साथ रिप्लेस कर देना है यहां से क्या बन जाएगा दैट इज दी एच जी टू एक्स टू बन जाएगा और यहां से आर एफ यानी कि हमें फ्लोरो अल्केन्स मिल जाएंगे इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन ठीक है तो ये हो गई हमारी स्वॉर्ट्स रिएक्शन इतना क्लियर हो गया अभी तो ये थी हमारी दो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है ठीक है इसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर करवाते हैं जिससे कि अल्कोहल्स बना सकते हैं अल्कोहल्स वाली तो एक सिंपल एग्जांपल है उसके अलावा ये चार मेन हैं जो आपने याद रखनी है छोटी छोटी रिएक्शंस हैं तो क्या होगा हम लोग अल्काइल हैलाइड ये है हमारे पास ब्रोमो ब्रोमो इथेन में हम लोग ऐड कर सकते हैं एजीसीएन सिल्वर साइनाइड तो क्या होगा एजीसीएन एक कोवलन कंपाउंड है जिसमें सी ए जी के साथ कोवलन बोन्ड में अटैच हुई होती है सो ओनली एन ही यहां पर फ्री होता है तो एन जाकर अपना बोन्ड बनाएगा आर के साथ तो यहां पर एन सी अटैच हो जाएगा दैट इज दाइनाइड फॉर्म हो जाएंगे ठीक है अगर हम लोग ऐड करते हैं केसीएन जो कि के एक आईनिक कंपाउंड है तो सी भी फ्री है तो सी अटैक करेगा तो सी एन अटैच होगा इसको बोलते हैं साइनाइट्स या फिर नाइट्राइल्स तो पी में इनका नाम क्या यूज किया जाता है दैट इज नाइट्राइल तो ये क्या बन गया हमारे पास प्रोपेन नाइट्राइल अगर हम लोग के एन ओ टू एड करते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन भी फ्री होता है अटैक करने के लिए तो ऑक्सीजन अटैक करता है तो ओ एन ओ इस तरह से कुछ अटैचमेंट होती है तो ये बनते हैं नाइ अगर हम लोग ए जी एन टू एड करते हैं तो ऑक्सीजन ए जी के साथ में अटैच हुआ होता है तो ओनली एन ही यहां पर फ्री होता है तो एन ही अपना अटैक करेगा तो एन से अटैचमेंट होगी तो एनओ टू अटैच होगा तो ये बनेंगे हमारे पास नाइट्रो नाइट्रोकम्पाउंड तो इनके रीजन भी आपसे पूछ सकते हैं बाकी आपने इनकी रिएक्शन को भी याद रख लेना है इतना क्लियर हो गया अभी तो आगे चलते हैं इसके बाद है हमारी डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है बेंजीन डाइजोनियम

इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन अब ये डाइजोनियम साल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट है जिससे आप लोग आगे क्लोरो ब्रोमो बेंजीन्स वगैरह बना सकते हैं तो उसके पास हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है हम लोग इस डाइजोनियम साल्ट में दिस इज द डाइजोनियम साल्ट इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं क्यूप्रस क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड सी यू टू सी एल टू या फिर सी यू टू बी आर टू सी एल और बी की ऑलमोस्ट सेम रिएक्शंस होंगी जो रिएक्शन सीएल में हो रही है वो रिएक्शन बीआर से भी हो सकती है ठीक है तो सी यू टू सी एल टू विद सी एल तो यहाँ से जो है वो इसके ऊपर ये पूरा ग्रुप हटकर हमारा बन जाएगा क्लोरोबेन्जिन हमने मेन प्रोडक्ट शो किया है साथ में एन टू गैस रिलीज होगी वो इसका बाय प्रोडक्ट है शो किया जा सकता है स्किप भी कर दोगे कोई इशू नहीं है इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन इसको थोड़ा जा ए, 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 इस रिएक्शन को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया इंप्रूव करके यहां पर क्यूपरस की जगह पर कॉपर यूज कर लिया गया कॉपर के साथ अगर आप लोग एच सी एल एड कर देंगे तो यहां पर सीएल अटैच हो जाएगा कॉपर के साथ अगर आप लोग एच बी आर एड कर देंगे तो यहां पर ब्रोमोबेनजिन बन जाएगी इस रिएक्शन को बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन क्लियर है सिंपल है छोटी छोटी रियक्शन है और अगर हमें लोग इसमें पोटासियम आयोडाइड का एक्व सोल्यूशन ऐड कर कर इसको वार्म करते हैं तो इससे बन जाएगी बेंजिन। तो ऐसे आप लोग क्लोरोबेन ब्रोमोबेन आइडोबैनजिन बना सकते हैं यहाँ पर आइडो और फ्लोरो के लिए हमेशा अलग रिएक्शंस होती हैं क्लोरो ब्रोमो की सेम चल जाती हैं तो फ्लोरिन के लिए अलग रिएक्शन है इसमें हमें ऐड करना है एच बी एफ फोर दैट इज द्लोरोबोरिक एसिड ये क्या करेगा अपना बी एफ फोर आयन यहाँ पर सीएल की जगह पर अटैच करवा देगा तो यहां पर पॉजिटिव के साथ आयन अटैच हो जाएगा ये एक इंटरमीडिएट स्टेट होगी इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये ब्रेक होकर हमें फ्लोरोन बना देगा जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा ऐसे आप लोग फ्लोरोबेजिन बना सकते हैं इस रिएक्शन का नाम है बाल शिमन रैक्शन प्रोनाउंशिएशन थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है इसका नाम हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं बाल शीमन रिएक्शन ठीक है तो जैसे कि हमने फ्लोरो के लिए हमेशा अलग रिएक्शन की है यहां पर है बालशीमन रिएक्शन जब आपने फ्लोरो फ्लोरोन बनाना है उस तरफ थी हमारे पास है स्वर्ट्स रिएक्शन जिसके साथ हम लोग फ्लोरो अल्केन्स बना सकते हैं क्लियर है अभी तो आगे चलते हैं आगे है इसके बाद डीहाइड्रोहेलोजिनेशन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर इसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको जरूर आती है तो अगर आपके पास कोई भी अल्काइल हैलाइड हो आप उसमें अल्कोहलिक के ओएच ऐड कर दें अब अल्कोहलिक के ओए एच का क्या मतलब है अल्कोहलिक एन ओ एच हो सकता है अल्कोहलिक के ओए एच हो सकता है यानी कि जैसे आपने इथाइल अल्कोहल ली ठीक है इथाइल अल्कोहल में आप लोगों ने ऐड कर दिया साथ में सोडियम या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड ठीक है तो इसमें आप लोगों ने के ओएच ऐड कर देना है तो यहाँ से आपको इसके बीच अल्कोक्साइड आयन भी यूज होंगे क्योंकि ये जो अल्कोहल है ये बेसिक सोल्यूशन में अपने अल्कोक्साइड आयन फॉर्म कर लेगी ठीक है जैसे कि आर ओ आय होते हैं दैट इज दल्कोक्साइड आयन उसका एच उतार दें अल्कोहल का तो उनका सभी इफेक्ट होता है इसमें ठीक है तो वो अलिमिनेशन करते हैं इसको बोलते हैं बीटा अलिमिनेशन बीटा क्यों बोलते हैं जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन जुड़ा है उसको बोलते हैं एल्फा है, कार्बन उसके साथ वाली कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन यहां पर दो दो बीटा कार्बन है मैंने खुद ऐसी एग्जाम्पल दी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए अब होना क्या है यहां पर एल्फा का हेलोजन जाना है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है अब यहां पर दो ऑप्शन है जब दो ऑप्शन हो तो आपने वो वाला हाइड्रोजन रिमूव करना है जिससे स्टेबल अल्कीन बनता हो तो अगर हम लोग इससे इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहां से हमें स्टेबल अल्कीन मिलेगा तो यहां से गया एक हाइड्रोजन यहां से गया बी आर तो यहां पर एक और बोन्ड बन जाएगा यहां पर बन जाएगा डबल बोन्ड तो हमें मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा अब स्टेबल अल्कीन का क्या मतलब है मोर अल्काइलेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल ठीक है जो अल्कीन मोर अल्काइलेटेड होते हैं वो हमारे मोर स्टेबल होते हैं ठीक है सो मोर अल्काइलेटेड, अगर हमारा अल्कीन मोर अल्काइलेटेड है तो वो मोर स्टेबल होगा ठीक है तो ये हमारा मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बन रहा है अल्काइलेटेड मतलब जहाँ पर भी डबल बोंड बने हैं उसके आसपास आपने चेक करना है कितने अल्काइल ग्रुप हैं यहाँ पर वन एंड टू टू अल्काइल ग्रुप्स हैं यहाँ पर सो दिस इज दी मोर अल्काइलेटेड अगर मैं यहाँ पर बना देता मान लीजिए कि प्रोडक्ट ठीक है अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते तो क्या बनता तो हमारे पास बनता ये वाला प्रोडक्ट ठीक है जो कि हमारा माइनर प्रोडक्ट है इसके डबल बोन यहाँ पर है और यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है सो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट ठीक है इसलिए ये लीस्ट ये इसकी स्टेबिलिटी लो है इसलिए ये हमारा बनेगा माइनर प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट आपने यही बनाना है सो दिस इज दीटा एलिमिनेशन और द डिहाइड्रोहलोजिनेशन रेक्शन जो कि अल्कोहलिक क्यूएच के साथ होती है अगर आप लोग एक्व क्यूएच बना देंगे तो आपने सिंपली क्या करना है कि बी आर की जगह पर ओ एच OH अटैच कर कर अल्कोहल बना देनी है क्लियर है कुछ बातें आपने सुनकर भी साथ में सोल्व कर लीजिए आपका बहुत ही फायदा होने वाला है तो आगे चलते हैं सेवंथ है इसमें डोज प्रोसेस डोज प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग क्लोरोबेंजिन को चेंज करते हैं इनटू टू फिनोल दो स्टेप की रिएक्शन है सिंपल सी पहला स्टेप आपने अच्छे से याद करना है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरोबेंजिन को फ्यूज किया जाता है यानी कि हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं सिक्स टू थ्री कैलविन विद द हाई प्रेशर तो यहाँ पर अटैच हो जाता है सी की जगह पर ओ एन यानी कि यहाँ पर बन जाता है सोडियम फिनोक्साइड तो सोडियम फिनोक्साइड जो बनता है इसमें एन को हटाने के लिए हम लोग कोई भी डिल्यूट एसिड ऐड कर जाते हैं पर H पॉजिटिव ऐड कर दिया तो यहाँ पर H आ जा जाएगा तो तो हमारी फिनोल बन जाएगी मेन तो स्टेप आपका ये है इससे बनेगा सोडियम फिनोक्साइड बाद में हम उसे फिनोल में चेंज कर लेंगे क्लियर है अभी इसके बाद आती है हमारे पास तीन ऐसी रेक्शन जो सभी एक जैसी हैं जिसमें है कि वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन ठीक है आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि डब्ल्यू प्लस एफ इज ए डब्ल्यू एफ ठीक है सो वुड्स फिटिंग वुड्स फिटिंग रैक्शन तीन रैक्शने हैं एक जैसी ठीक है तो इनमें होगा क्या आप लोगों ने इतना याद रखना है आर एक्स और एक आगा हमारा बी एक्स ठीक है तो आर एक्स बी एक्स आर एक्स बी एक्स का सारा खेल है तो वुड्स रैक्शन में वुड्स रैक्शन में दोनों आर एक्स होंगे सो आर एक्स आर एक्स ठीक है एंड फिटिंग रिएक्शन में दोनों बी एक्स बी एक्स ठीक है वुड्स फिटिंग में दोनों एक एक होंगे आर एक्स बी एक्स क्लियर है अभी वुड्स रिएक्शन में आर एक्स आर एक्स फिटिंग रिएक्शन में बी एक्स बी एक्स वुड्स फिटिंग में आर एक्स बी एक्स ठीक है ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं तो जैसे हमारी सबसे पहली है वुड्स रिएक्शन आर एक्स आपको अभी तक तो याद हुआ होगा आर एक्स मीन Rx plus XR, same ही है मैंने उल्टा कर यहाँ पर लिख दिया है दो मोलिक्यूल तो ही सोडियम के साथ अटैच होकर हो हमें सिंपल अलकेन बना देगा तो यहाँ पर जो अलके बनते हैं वो ऑलवेज इवन नंबर वाली कार्बन चेन होती है जैसे दो कार्बन चार कार्बन कार्बन आठ कार्बन और कार्बन वाली चेन आप इस रिएक्शन के साथ नहीं बना सकते अगर हम लोग अलग अलग अल्काइल हलाइड यूज़ करते हैं वो हमें मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट बनाता है इसलिए वो भी यूजफुल यहाँ पर नहीं है तो आपने सेम अल्काइल हलाइड के ही दो मोलिक्यो इसमें यूज़ करने हैं ये हो गई वुड्स रैक्शन फिर है यहाँ पर दैट इज़ दी वुड्स फिटिंग रिएक्शन तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ठीक है आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं सो so, वुड्स फिटिंग में क्या था अभी आर एक्स प्लस अलकाइल्पल बना ली है ये RX की example, ये BX की example, वाला. तो इसमें भी ये ब्रोमिन और ये सोडियम के साथ अटैच होकर एन ए बी आर अलग बन जाएगा इस बेंजीन के ऊपर ये अल्काइल ग्रुप अटैच कर देंगे तो हमें यहां से बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप अटैच होकर मिल जाएगा टोलुइन क्लियर है तो ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं फिटिंग रिएक्शन तो दोनों ही बी एक्स बी बेंजीन वाले हैं तो बी एक्स बी एक्स को अटैच करेंगे दोनों फिर से हमारे के साथ हो जाएंगे, और दोनों बेंजीन रिंग्स इस बार आपस में अटैच कर देना इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ड्राईर की प्रेजेंस में ये सभी रेक्शन होने वाली हैं इसमें भी आएगा अभी ठीक है ड्राई इथर इस रिएक्शन में भी आएगा तो दोनों बेंजीन रिंग आपस में अटैच होकर हमें यहाँ से मिल जाएगा बाईफिनाइल क्लियर है तो ऐसे आप लोग इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है

क्लोरोमीथेन यहां से इसका सी एच थ्री का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो जाकर एंड पैरा पोजिशन पर अटैच हो जाएगा क्योंकि पैरा पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई होती है ये आप लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं तो ओर्थो वाला प्रोडक्ट एंड दी पैरा वाला प्रोडक्ट दोनों ही बन जाएंगे इसका नाम है ओर्थो टोलुइन इसका नाम फिर क्या होगा पैरा क्लोरो टोलुइन ठीक है उसका नाम मैंने उतारा नहीं आप लोग अपने आप लिख सकते हैं अल्काइलेशन फिनोल और एनी सोल में भी सेम चलती है तो इसलिए उनकी भी रिएक्शन आपने खुद सोल कर लेनी है सेम टू सेम होगा नेम चेंज हो गए नेम आप लोगों ने खुद बना लेने हैं कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है ऐसे ही होती है असाइलेशन असाइलेशन ठीक है तो असाइलेशन में क्या होगा अभी असाइलेशन में हम लोग असाइल ग्रुप को जोड़ते हैं अब असाइल ग्रुप क्या होता है सी एच थ्री ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप ठीक है

ये हमने किटोन के, के साथ फोर्थ पोजीशन पर अटैच कर लिया है सी तो ऐसे आपकी ये एग्जांपल बन जाएगी तो असाइलेन और अल्काइलेशन ये दो फ्रीडल क्राफ्ट की हैं हैं अब इसके बाद आगे चलते हैं, अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर की तरफ सुनाओ so इसके बाद हमारे पास चैप्टर अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स में से मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन तो सबसे पहली रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ दी एल्डिहाइड्स एंड किटो तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड किटोन में हम लोग क्या करेंगे एल्डिहाइड एंड किटोन्स की रिडक्शन करके हमें मिलते हैं यहाँ पर अल्कोहल्स तो अगर हम लोग किसी भी एल्डीहाइड की रिडक्शन करते हैं रिडक्शन करने के लिए अलग अलग रीजेंट्स को यूज किया जा सकता है जैसे कि सबसे पहला है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ दी निकल या फिर सोडियम इन इथल कोहल या फिर लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड इन सब में से स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एलुमिनियम हाइड्राइड ठीक है तो क्या होगा इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा एक इस सी के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमें यहाँ से प्राइमरी अल्कोहल्स मिल जाएंगे तो एल्डिहाइड्स रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाते हैं ठीक है ऑपोजिट केस आप लोगों ने याद रख लेना है वो भी आगे आ जाएगी रक्षण सिमिलरली अगर हम लोग किसी भी कीटोन को रिड्यूस करते हैं बाई दी सेम रीजेंट्स ठीक है ऊपर वाले ही आप लोग सेम रीजेंट्स को यूज कर सकते हैं तो एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगी दूसरी हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगी एक पोन यहां से ब्रेक हो जाएगा तो हमें यहाँ पर सी एच ओ एच ग्रुप अटैच होकर मिल जाएगा तो हमें यहाँ से टू डिग्री अल्कोहल्स मिलने वाली हैं तो किटोन्स बनाएंगे टू डिग्री अल्कोहल्स ओके अभी तो आगे चलते हैं अल्किन्स को अगर हमने अल्कोहल में चेंज करना हो तो सबसे पहली रिएक्शन है यहाँ पर हमने अल्कीन लिया है दैट इज दी प्रोपीन तो प्रोपीन को हम लोग एसिडिक हाइड्रेशन करवाएंगे इसमें वाटर को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एसिड की प्रेजेंस में अगर हम में वाटर को ऐड करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकोब्स रूल इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा क्योंकि इसके पास टू हाइड्रोजन हैं इसके साथ ओ एच OH अटैच होगा अकॉर्डिंग टू दी मार्कोनिकोब्स रूल तो हमें यहां से प्रोपेन टू ओल मिल जाएगी यहां पर ओ OH एच जुड़ा है यहां पर जुड़ी है हाइड्रोजन तो हमें यहां से मिलेगी प्रोपेन टू ओल अगर हमें ओपोजिट एडिशन करवानी हो जैसे एंटी मार्कोनिकोव रूल में होता है तो हमें यहां पर यूज करनी होगी एक स्पेशल रिएक्शन दैट इज नोन एज दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हम लोग सबसे पहले बोरेन या फिर डाई बोरेन आप यहां पर डाई बोरेन बी टू एच सिक्स भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो हमने बोरेन इन दी सोलट टी एच एफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और सेकेंड स्टेप में हम लोग यहां पर एड करेंगे दैट इज दलकेलाइन सोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन फरोक्साइड तो क्या होगा इन दोनों स्टेप्स के बाद हमें एंटी मार्कोनिकोव रूल वाला प्रोडक्ट मिलेगा यानी कि इस जो सी एच टू के साथ ओ एच OH जुड़ेगी और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगी ओपोजिट एडिशन हो जाएगी तो हमें प्रोपेन वन ओल मिलेगी तो दोनों रेक्शंस में हमें अल्कोहल मिलती है अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रेशन करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा प्रोपेन टू ओल अगर हम लोग करते हैं हाइड्रोक्योरेशन तो हमें प्रोपेन वन ओल ठीक है अगर एंटी मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट बनाना है हाइड्रोप्लोरेशन अगर आपने वाला बनाना है तो एसिडिक हाइड्रेशन इसको याद कर लेना भी अच्छे से ठीक है अल्किन टू अल्कोहल अब अल्कोहल अल्कोहल से बनाने के लिए क्या करेंगे ठीक है टू हाइड्रेशन अल्कोहल टू अल्कीन डिहाइड्रेशन सिंपल है तो आगे चलते हैं इसके बाद आता है कि अगर हम लोग ग्रिगनाट रीजन के साथ कार्बोनल कंपाउंड्स यानी कि एल्डिहाइड किटोन्स की रिएक्शन करवाएं विद ग्रिगनाट रीजन तो हमें वहां से अल्कोहल्स मिल जाती हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन है सबसे पहले हमने एक एल की एग्जाम्पल ली है तो एल में हमने ऐड कर दिया ग्रिगनाट रीजन का फार्मूला होता है अभी आर एम जी एक्स तो हमने R की जगह पर एग्जाम्पल बना ली है सी एच थ्री एक्स की जगह पर हमने बी आर यूज कर लिया है आर एम जी एक्स तो होगा क्या ये जो अल्काइल ग्रुप है सी एच थ्री ये जाकर इस कार्बन के साथ अटैच होगा और ये ऑक्सीजन अपना एक जो बोन ब्रेक कर कर अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेगी सो so, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जा जाएगा चार्ज होने के कारण वो अपने साथ एम को अट्रैक्ट कर कर अटैच कर लेगा तो ऑक्सीजन के साथ एम और नीचे इस सी के साथ एक सी एच थ्री एक्स्ट्रा अटैच हो गया अब इस एम को रिमूव कर कर यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्यूट एसिड हम इसमें एच पॉजिटिव ऐड कर देंगे तो यहाँ पर एच अटैच हो जाएगा तो ऐसे हम यहाँ से एक सेकेंड्री एल्कोहल बना सकते हैं तो सभी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल्स बनाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा सेम रिएक्शन में तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने का सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड होगा बाकी सभी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाएंगे और सभी के सभी किटोन्स जो हैं वो थर्ड डिग्री अल्कोहल बनाएंगे अब देखो भाई ये रिएक्शन एज इट इज आपको बिल्कुल नहीं आने वाली आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम दिए होते हैं जैसे यहाँ पर दिया है कि हमें एलडीहाइड को चेंज कर कर टू डिग्री अल्कोहल बनानी है आपको कोई भी एग्जाम्पल पा सकते हैं कि आप लोगों ने अस्टेल्डीहाइड को यूज़ कर कर अल्कोहल बनाकर दिखाओ ठीक तो है विद सूटेबल रीजेंट तो सूटेबल रीजेंट आप लोगों ने खुद सोचना है ठीक है मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर एक कार्बन की एग्जाम्पल यूज़ कर लेते तो हमारा लास्ट प्रोडक्ट यहाँ पर क्या आता सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री इसको मैंने ऐसे लिखा है सी एच सी एच थ्री ठीक है इस चीज़ को मैंने उतार लिया अब दूसरे नंबर पर ओ जुड़ा है दैट इज हमने बनाया है यहाँ पर प्रोपेन टू ओल तो आपको क्या आएगी स्टेटमेंट कि आप लोग इथेनल यूज करें आप लोग अस्टेल्डीहाइड यूज करें और उसे चेंज कर दें इन टू प्रोपेन टू ओल बाय यूजिंग सूटेबल रीजन आपने ये देखना है यहाँ पर दो कार्बन एटम है इसमें दो कार्बन ऐटम है इसमें टोटल तीन कार्बन एटम है कार्बन एटम की बात हो रही है तीन कार्बन आइटम है तो हमें एक कार्बन आइटम एक्स्ट्रा चाहिए तो हम लोग रीजन में एक कार्बन वाली चेन यूज कर लेंगे ठीक है तो ऐसे इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगी वहां से आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना फिर ही आपको अच्छे से इसकी प्रॉब्लम पेपर में अटेम्प्ट कर पाएंगे ठीक है भी? तो आगे चलते हैं एसिडिक दीख डिहाइड्रेशन मैंने आपको अभी बताया था अल्कोहल टू अल्किन करना है तो डिहाइड्रेशन करवाएं डिहाइड्रेशन के लिए हमें क्या करना है एसिड की प्रेजेंस में हीट करना है अल्कोहल को एट फोर फोर थ्री कैलविन तो यहाँ पर है कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर या फिर एच पॉजिटिव आप इसे किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें हीट करना है एट दी फोर फोर थ्री कैल्विन तो अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाएगा वाटर उसका रिमूव हो जाएगा यहाँ से ओ OH एच जाएगा यहाँ से ओ OH एच जाएगा और यहाँ से एक का हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा सी एच टू सी एच टू में यहाँ पर है डबल भोंड बन जाएगा अल्किन्स मिल जाएंगे हमें तो ऐसे अल्कोहल से अल्किन बनते हैं बाय बाई दिहाइड्रेशन एट 443 फोर, फोर थ्री कैलविन ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इतना क्लियर है अगर हम लोग इसी रिएक्शन में थोड़ा सा लो टेम्परेचर कर लें तो अगर हम लोग अल्कोहल को एक्सेस में यूज कर लें और थोड़ा सा लो टेम्परेचर पर इसको हीट कर लें तो प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा वहां से ईथर बन जाएंगे प्राइमरी अल्कोहल इन एक्सेस अगर हीट करेंगे एसिड की प्रेजेंस में इन एट सम लोअर टेम्परेचर फोर वन थ्री कैलविन तो हमें यहां से इथर्स मिल जाएंगे इथर क्या होते हैं आर ओ आर आर ओ आर यानी कि दो अल्काइल ग्रुप्स आपस में ऑक्सीजन के थ्रू अटैच हुए होते हैं इस ये अल्कोहल के दो मोलिक्यूल्स यूज होंगे और दोनों के अल्काइल ग्रुप जो हैं वो आपस में अटैच हो गए हैं बाय द ऑक्सीजन तो ऐसे हमें ईथर्स मिल जाते हैं सेम रेक्टेंट है अल्कोहल अल्कोहल तो अगर हमने लो टेम्परेचर पर हीट किया तो हमें मिलेगा इथर हाई टेम्परेचर पर हमें मिलेंगे अल्कीन बट विद दी एसिड ठीक है इससे ऐड कर कर हमें इसे हीट करना है क्लियर है अभी सिंपल है तो ये जरूर याद रखना अगर टू डिग्री थ्री डिग्री होंगे वो हमेशा अल्किन ही बनाएंगे सिर्फ प्राइमरी में इधर बनने के चांसेस होते हैं ओके okay? तो आगे चलते हैं आगे है अभी हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स ठीक है तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अगर हम लोग करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ठीक है तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होगी ऑक्सीडाइज होना हाइड्रोजन को रिमूव करना

यहां पर एजेंट तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करवा कर यहां से एसिड बना देंगे। उसमें एक ऑक्सीजन और एड कर, कर हमें प्रेजेंस ऑफ दिवसुलसिड स्ट्रॉन्ग एजेंट कौन से हो सकते हैं पोटासियम परमेगानियम डाइक्रोमेट या फिर कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ये हमारे पास तीन चार ऑप्शन होते हैं आप इनमें से कोई भी एक यूज कर लेना क्लियर है अगर हमें ऑक्सीडाइज करवाकर अल्कोहल को एल्डी तक ही रोकना है तो हमें क्या करना होगा हमें कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने होंगे जैसे कि सी या फिर दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज दी पी ठीक है सी या फिर हमें यूज करना होगा पी सी सी सो पी सी सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पी सी सी का नाम क्या है पिरडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसको बोलते हैं पिरडीनियम क्लोरोक्रोमेट तो इसकी प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल क्या करेगी वो ऑक्सीडाइज तो होगी बट एल्डीहाइड तक ही रुक जाएगी वो आगे एल्डीहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना नहीं पाएंगे क्योंकि वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लियर है एलडीहाइड तक रोकना है तो पीसीसी या सीआरओ सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटासियम पर मैंगानेट डाइक्रोमेट वगैरह क्लियर है ओके है याद कर लोगे भी अच्छे से अगर टू डिग्री अल्कोहल हो वो ऑक्सीडाइज होकर हमें बनाकर देंगे किटोन अगर थर्ड डिग्री अल्कोहल हो उनके ऑक्सीडेशन करना काफी डिफिकल्ट होता है क्लियर है याद रखना ये एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं आपसे तो आगे चलते हैं आगे है डीहाइड्रोजिनेशन डीहाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन को रिमूव करना है एक तरह से ऑक्सीडेशन ही है थोड़ी सी अलग तरीके से होगी तो हमने क्या करना है कि अल्कोहल को हीट करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ दी कॉपर तो अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में हम लोग हीट करेंगे एट 573 सेवेंटी थ्री कैलविन तो क्या होगा फिर से अल्कोहल की हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी एक हाइड्रोजन ओ एच के साथ वाली और दूसरी हाइड्रोजन जो सी एच टू में जुड़ी है वो वाली जाएगी तो हमें यहाँ से एल्डीहाइड मिल जाएंगे प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्कोहल गिवजी एल्डीहाइड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स अस दी कीटोन जो ऑक्सीडेशन में होता है वही सेम हो यहाँ पर हो रहा है ठीक है तो ये हाइड्रोजन जाएगी और नीचे ओ के साथ वाली हाइड्रोजन जाएगी तो यहाँ पर हमें एक कीटोन मिल जाएगा बट इन दी थर्ड डिग्री अल्कोहल्स, थर्ड डिग्री की ऑक्सीडेशन करवानी डिफिकल्ट है और डिहाइड्रोजिनेशन विद कोपर में क्या होता है कि थर्ड डिग्री डिहाइड्रेशन कर लेता है हाइड्रोजन अकेली नहीं रिमूव करता वो वाटर रिमूव करता है और अल्कीन बना लेता है ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर थर्ड डिग्री अल्कोहल है उसका ये जो सी के साथ ओ ग्रुप अटैच हुआ है ये वाला ये जाएगा बाहर ठीक है और साथ में किसी दूसरे कार्बन में से हाइड्रोजन जाएगी ठीक है जैसे ये जो नीचे वाला सी एच थ्री है इससे आप लोग एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें ठीक है तो यहाँ पर इन दोनों अब कार्बन एटम्स में यहाँ पर एक डबल बोंड बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर एक हमारे पास डबल बोंड बनकर यहाँ से अल्किन्स मिल जाएंगे तो ऐसे आप लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं इतना क्लियर है अभी नाउ so इसके बाद है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ द फिनोल फ्रॉम द क्यूमिन तो सबसे पहला है अल्कोहल को हमने बनाना है फ्रॉम द क्यूमिन ठीक है ना तो हमारी भी यहाँ पर क्यूमिन क्या होता है क्यूमिन होती है जब बेंजीन के ऊपर अटैच होता है सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री और यहाँ पर सी एच के साथ अटैच हुई हुई है दैट इज बेंजीन रिंग तो इसकी पहले स्टेप में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है जो कि सिंपली एयर में से यूज करते हैं साथ में कुछ कैटलिस्ट ऐड करते हैं बट उनके नाम याद रखने की आपको कोई खास ज़रूरत है नहीं आप इसे सिंपली ऐसे भी रिप्रजेंट कर सकते हैं और सेकेंड स्टेप में हम बाद में जो इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है उसको ब्रेक करने के लिए इसमें एसिड ऐड करते हैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ से हमें फिनोल मिल जाती है और साथ में बाय प्रोडक्ट वो भी इंपॉर्टेंट है वो हमें मिलता है अभी यहाँ से सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री यानी कि एसीटोन यानी कि प्रोपेनोन यहां पर हमें बायप्रोडक्ट मिलता है सो दिस इज दी इस रिएक्शन का तो ऐसे हम लोग फिनोल बना सकते हैं क्यूमिन का फॉर्मूला याद रखना भी क्यूमिन का फॉर्मुला भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्लियर है तो इसी से फिनोल बनाने का एक दूसरा मेथड दैट इज दी आल्सो वेरी वेरी इजी एंड इंपोर्टेंट तो हम लोग डाइजोनियम साल्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हम लोग पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके बारे में इसको हम लोगों को वाटर ऐड करके इसको थोड़ा सा वार्म करते हैं हीट करते हैं हल्का सा तो इससे हमें फिनोल मिल जाती है तो वाटर ऐड करना है इसको हीट करना है तो ग्रिकना तो बैनजिन डाइजोनियम क्लोराइड इसीलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है इससे आप लोग क्लोरोबेनजिन ब्रोमोबेजिन फ्लोरोबेनजिन आइडोबैनजिन अब इससे हमने फिनोल भी बना ली तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड बन जाता है क्लियर है अभी तो ऐसे आप लोग इससे फिनोल बना सकते हैं अब फिनोल की कुछ रिएक्शन हो सकती हैं आगे अब देखिए रिएक्शंस ऑफ द फिनोल में क्या है कि फिनोल को अगर आप लोग हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड हीट करेंगे जिंक डस्ट ऐड कर कर तो फिनोल क्या करे जिंक uh, क्या करेगा अपना ऑक्सीजन इसका फिनोल का अपने साथ अटैच कर कर जिंक ऑक्साइड अलग से बना लेगा और फिनोल से बन जाएगी benzy, तो फिनोल से बेंजीन बना सकते हैं अभी जिंक डस्ट के साथ इसको हीट करके इसके अलावा अगर हम लोग फिनोल में ऐड करते हैं कंसनट्रेटेड कंसनट्रेटेड एच एन ओ थ्री एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो इनको बोलते हैं नाइट्रेटिंग रीजेंट्स तो इससे क्या होगा कि फिनोल एक, एक एक्टिवेट हुई हुई रिंग होती है जिसकी दोनों ओर्थो एंड पैरा पोजिशन पर एनओ टू अटैच हो जाएगा जिसका आई यू पी एस सी नेम क्या होगा टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल और कॉमन नेम इसका क्या है पिक्रिक एसिड ठीक है तो ये याद रखना भी पिक्रिक एसिड क्या होता है ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है इसके अलावा फिनोल की कुछ और एक्शन हैं वो जो हमने बाकी की वीडियोस की हैं रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्टिंक्शन टेस्ट उनमें हो जाएंगी इसलिए मैंने यहां पर उनको स्किप कर दिया है तो वो आप लोग वहां पर याद कर लेना क्लियर है तो आगे चलते हैं इसके बाद रेक्शन है दैट इज़ मोस्ट ये दो रेक्शन अगर किसी से कुछ भी नहीं हो रहा तो ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट रेक्शन हैलबी रेक्शन में क्या होगा हम लोग फिनोल को सबसे पहले हीट करेंगे आ, हम लोग फिनोल में सबसे पहले ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड इससे बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड इसमें बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एज ए इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगी इसको हम लोग हीट करेंगे 400 हंड्रेड कैलविन एंड हाई प्रेशर फोर टू सेवन एटमोस्फेरिक जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल है वो सी ओ टू एक्ट करती है जो कि ओर्थो पोजिशन पर जाकर अटैच होगी तो यहाँ पर एक ग्रुप अटैच हो जाएगा सी ओ ओओ एन ए यहाँ से हम लोग सोडियम हटाने के लिए हम लोग इसमें एच पॉजिटिव ऐड कर देंगे एच पॉजिटिव ऐड करेंगे तो यहाँ से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मिल जाएगा ऐसे हमने क्या किया कि फिनोल की ओर पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक वाला ग्रुप अटैच कर दिया अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेफरेंस हायर होती है ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा यानी कि बेंजोइक एसिड बन गया और ओ OH एच हमारा एक्स्ट्रा रह गया यानी कि साइड सब्सिटूंट बन गया इसको हम लोग हाइड्रोक्सी बोल देंगे तो इसका नाम बन गया टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और इसका कॉमन नेम है सेलिसाइलिक एसिड कोलबी रिएक्शन में बनाते हैं सेलिसाइलिक एसिड क्लियर है वैसे तो ही होती है रिमन टिमन रिएक्शन जिसमें हम लोग बनाते हैं सेलीसेल्डीहाइड तो क्या करेंगे फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको हीट करेंगे 340 केल्विन पर तो इसमें भी ऑर्थो पोजिशन पर एल्डिहाइड वाला ग्रुप सी एच ओ अटैच हो जाएगा फिर से एच पॉजिटिव एड करेंगे तो यहां से एन ए हट करके आ जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो हमें हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी या टू हाइड्रोक्सी बेनजेल्डीहाइड इसका जो आई यू पी एस सी नेम आप लोग खुद लिखेंगे टू हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड तो इसका कॉमन नेम है सेल्डीहाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है इसमें इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है CCL2, जो क्लोरोफॉर्म से ही आता है यहां से CCL2 आता है होकर वो बाद में यहाँ पर अटैच होता है ऑर्थो पर वो आगे इसके मैकेनिज्म में होता है बट वो आपको कहीं पर नहीं पूछा जाएगा एक दो तो बार एमसीक्यू आए थे जिसमें उन्होंने इन इन रिएक्शंस के इलेक्ट्रोफाइल्स के, के बारे में आप लोगों से पूछ लिया था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है साथ में क्लियर है ठीक है ये दोनों रिएक्शंस जरूर याद कर लेना अभी इसके बाद आती है हमारी जो ईथर्स में से दो रैक्शन हैं एक ये है और एक आपको जो रीजनिंग क्वेश्चन वाली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की थी वहां से आप लोग उसको सुन सकते हैं दूसरी है विलियमसन सिंथेसिस दिस इज आल्सो वेरी हैरी इंपॉर्टेंट एक्शन सिंथेसिस में क्या होता है कि सोडियम अल्कोक्साइड यानी कि अल्कोहल के सोडियम साल्ट सोडियम अल्कोक्साइड अल्कोहल का एच हटाकर हमने एन ए लगाया है वो अल्काइल हलाइड पर अटैक करते हैं तो यहाँ से ये यह जो अल्कोक्साइड आयन है आर ओ ये अटैक करेगा आर पर तो यहाँ से एक्स अलग निकल जाएगी तो x अपनी अलग होकर क्या करेगी x यहाँ से अलग होकर अपनी एन के साथ अटैच होकर एन एक्स तो यहाँ पर आर ओ के साथ आर अटैच हो गया तो हमें आर ओ आर इथर मिल जाएगा मैंने एक को आर लिखा है एक को आर डैश लिखा है इसका मतलब होता है कि दोनों चेन अलग भी हो सकती हैं सेम भी हो सकती हैं ठीक है थीके? जी ये होती है विलियमसन सिंथेसिस तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अल्काइल हलाइड शुड बी प्राइमरी आलवेज अगर सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अल्काइल हलाइड होता है तो उसमें डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अलिमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड क्लियर है तो सुन लेना ध्यान से इसको रिटर्न में नोट कर कर रख लेना इसलिए हम लोग यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हलाइड ही यूज़ करते हैं अगर हमें थर्ड डिग्री ग्रुप चाहिए तो वो आप लोग अल्कोहल साइड में यूज़ कर लें जैसे हमें चाहिए था थर्ड था डिग्री वो हमने अल्कोक्साइड में यूज़ किया है ना के यहाँ पर अल्काइल अलकाइलाइड में अल्काइल आपको हमेशा प्राइमरी रखना है आप लोग थर्ड डिग्री वाला अल्काइल अलकाइलाइड यूज करेंगे तो वो अल्कीन बना देगा बाय दी दी बाय एलिमिनेशन रिएक्शन ठीक है तो इसलिए आपने प्राइमरी अल्काइल अलकाइलाइड यूज करना है ऐसे ही अगर आपने बेंजीन के साथ कुछ ओ सी एच थ्री वगैरह अटैच करना है तो आपको सोडियम फिनोक्साइड ही हमेशा यूज करना होगा क्योंकि बेंजीन के साथ चाहे ऑक्सीजन का बॉन्ड हो चाहे हेलोजन का हो वो ब्रेक करना मुश्किल होता है तो इसलिए जो हलाइट्स हैं वो ऑलवेज आपके एलिफेटिक प्राइमरी हलाइट ही होने चाहिए ठीक है तो यहाँ से क्या हुआ ये जो सी एच थ्री था ये एन ए की जगह पर अटैच हो गया तो यहाँ से बन गया हमारे पास एनीसोल जो कि एक ईथर है एनीसोल क्लियर है तो ऐसे अगर आप लोग ये चाहें कि हम लोग ब्रोमोपेन्जिन के साथ ऐसे कोई प्राइमरी जो अल्कोक्साइड आयन को यूज कर लें तो ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये बोन स्ट्रोंग होता है तो बी आर यहां से हटेगा नहीं तो बी आर की जगह पर ओ सी एच थ्री हम लोग कैसे अटैच करेंगे ठीक है ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है तो ये चैप्टर अल्कोहल ईथर्स में से आगे चलते हैं एल्डिहाइड डी एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ

वहां पर ऐड हो जाएंगे एक ऑक्सीजन ऊपर दो ऑक्सीजन ऐड होंगे ऐसे नीचे कुछ ब्रिज कंपाउंड जैसी कुछ यहां पर स्ट्रक्चर बन जाएगी ये एक इंटरमीडिएट होगा जिसको कि हम लोग जिंक एंड वाटर ऐड कर कर ब्रेक कर देंगे ब्रेक कैसे होगा यहां से ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी अब यहाँ पर दो कार्बन है और ये क्या बन गया हमारा सी एच ओ तो यहां से एक एलडी हाइड हमें मिल जाएगा दैट इज दी तो ये यह हमें यहाँ से मिल गया दैट इज दी हाइड ठीक है तो ऐसे आपको यहाँ से ये चीज मिल जाएगी और और दूसरी तरफ यहाँ से ब्रेक होगा और एक ही कार्बन है उसके साथ अगर हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं तो हमें यहाँ से मिथे नल मिल जाएगा ऐसे आप इनकी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द एल्कीन को लेकर यहाँ से एल्डिहाइड और किटोन्स बहुत ही प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एजोनोलाइसिस ठीक है तो ये रिएक्शन आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है इसके बाद है हमारे पास रोजेन मुंडर रिडक्शन जिससे कि हम लोग ओनली एल्डिहाइड्स को ही बना सकते हैं तो आप लोगों ने एसिड हलाइड्स की रिडक्शन करनी है एसिड हलाइड हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं दैट इज दी एस्टाइल क्लोराइड ठीक है तो दो कार्बन वाला एस्टाइल और यहाँ पर उसके साथ में जुड़ा है सी एल सो दिस इज इस दी एसिड हलाइड और इसका नाम है एस्टाइल क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड ठीक है इससे क्या होगा इस Cl की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगी इस H2 में से और एक जो हाइड्रोजन थी वो Cl के साथ अटैच होकर HCl सी एल बनाएगी रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है ऐसे हम लोग एलडी बना सकते हैं साथ में आप लोगों ने क्या यूज करना है पेलेडियम एंड बेरियम सल्फेट ठीक है पेलेडियम एक मेटल होता है पेलेडियम एंड बेरियम सल्फेट और इसके साथ आप लोगों ने यूज करना है क्यूनोलाइन या फिर सल्फर ये एक्ट करेगा एज ए पॉइजन इन द रिएक्शन तो रैक्शन में पॉइजन का काम क्या होता है कि रैक्शन में यूज होने वाले कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को डिक्रीज कर देना ये यहां पर पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट की एफिशिएंसी को डिक्रीज करता है ता जो एल्डिहाइड की आगे रिडक्शन होकर अल्कोहल ना बन जाए ठीक है अगर हम इसे ना यूज करेंगे सल्फर या फिर लाइन को तो ये एल्डिहाइड भी आगे रिड्यूस हो जाएगा इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और एल्डिहाइड की रिडक्शन से क्या बनती है अल्कोहल्स बनती है उसको रोकने के लिए हमें इसे यूज करना पड़ा है ये बात आप लोगों ने याद रखनी है ऐसे ही आप लोग सिमिलरली यहाँ पर बेंजोएल क्लोराइड दिस इज दी बेंजोएल क्लोराइड इसको भी यूज करेंगे तो आपका यहाँ से सी एल की जगह पर हाइड्रोजन आ जाएगा तो हमें यहाँ से बेन्जल्डी हाइड मिल जाएगा ठीक है तो ये एक एक साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने रैक्शन साथ में आप लोगों को बता दिया इसकी प्रैक्टिस साथ में ज़रूर करते जाना इसके बाद है हमारे पास रेक्शन दैट इज रिडक्शन स्टिफन रिडक्शन के साथ भी आप यहाँ से एलडी को बना सकते हैं तो एलडी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं साइनाइड कंपाउंड्स यानी कि नाइट्राइल कंपाउंड्स ठीक है तो इसमें दो कार्बन है दो कार्बन के साथ नाम बन गया इथेन और साथ में लगेगा नाइट्राइल तो आई में सी वाला कार्बन भी चेन में ही आप लोगों ने काउंट करना है तो टोटल दो कार्बन है ठीक है तो ये ऐसे आती है एग्जाम में जैसे कि आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रोपेन नाइट्राइल स्टिफन रिडक्शन में क्या हमें प्रोडक्ट मिलेगा या फिर आप लोग सबसे पहले एस एन सी एल टू एच सी एल के साथ कर तो सिंपल तो तो है आप लोगों ने नाइट्राइल कंपाउंड की रिडक्शन करवाई है इस बार हमने क्या यूज किया है एस एन सी एल टू यानी टीन क्लोराइड साथ में एच सी एल तो इस एन के साथ एक हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ये यहाँ पर जब ऐड होंगी तो हमें आगे अब यहां से क्या मिल जाएगा इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन तो यहाँ पर सी एच और एनएच बनेगा एक बोन्ड ब्रेक हो गया यहाँ पर बचे हैं डबल बोन्ड तो इसकी बाद में आप लोगों ने हाइड्रोलाइसिस करवा देनी है तो हाइड्रोलाइसिस क्या करेगी यहां से एनएच को रिमूव कर कर ऑक्सीजन अटैच कर देगी तो यह बन गया एलडीहाइड और जो एन एच रिमूव हुआ है इसमें हाइड्रोजन एड कर अमोनिया गैस बन जाएगी तो ऐसे हम लोग ओनली एल्डीहाइड से स्टिफन रिडक्शन और रोजनमुंड रिडक्शन के साथ बना सकते हैं क्लियर है ठीक है तो इसी की ही थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है बट ये स्टीफन से अलग हो जाती है बट प्रोडक्ट सेम मिलते हैं, रीजेंट अलग है अगर आप लोग नाइट्रेल कंपाउंड की सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं डी आई बी एल एच इन शॉर्ट फॉर्म है इसका नाम होता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम रिपीट कर देता हूं डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम और हाइड्राइड ठीक है ये एक रीजन है इसको ऐड करना है बाद में आप लोगों ने एच टू एड करना है तो आपको एलडी मिल जाएंगे ये भी रेक्शन पेपर में बहुत बार पूछी गई है छोटी सी रेक्शन है अब देखिए प्लीज इनकी एग्जाम्पल्स को खुद सोल्व कर लेना तो आपके लिए एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल ये सभी रेक्शन रहने वाली है क्लियर है अभी तो आगे चलते हैं इसके बाद है इटार्ड रेक्शन तो इटार्ड रेक्शन में भी हम लोग सिर्फ एलडी ही बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अल्काइल बेंजिन को यूज करते हैं यानी कि बेंजीन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो जैसे कि यहां पर जुड़ा है सी एच थ्री तो इसकी हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड हेड ही बन पाते हैं अगर हम लोग इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा क्लियर है तो हमें यूज क्या करना है हमें यूज करना है यहां पर क्रोमाइल क्लोराइड सी आर टू सी एल टू दिस इज द क्रोमाइल क्लोराइड और साथ में सोलवेंट है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड सी सी एल फोर और सेकेंड स्टेप में आपको इसकी हाइड्रोलाइसिस करवानी है तो आप लोग एक ही एरो के ऊपर दोनों स्टेप्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे रिएक्शन आपके लिए ईजी भी हो जाएगी और आपकी रिएक्शन को सही भी पेपर में माना जाएगा ठीक है तो इससे बन जाएगा आपका बंजेलडी हेड यहां पर सी एच थ्री चेंज होकर एल डी हेड ग्रुप बन जाएगा सो दिस इज दी बंजेलडीड एंड दिस इज दी पार्शियल ऑक्सीडेशन और इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड इन सीसीएल फोर और सेकेंड स्टेप में हमने की हाइड्रोलाइसिस क्लियर है अभी ठीक है तो साथ में याद करते जाना भी प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस ही आपको अच्छा बनाएगी प्रैक्टिस करने से ही आपको रैक्शंस आएंगी खुद नोट्स बनाओ इस वीडियो को देख देख कर आपको सबसे ज्यादा इसी का ही फायदा होने वाला है रेक्शंस में से बहुत कुछ ही आपका इसके साथ कवर हो जाएगा आगे है अगली रेक्शन है एडिशन ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोक्सलमाइन ठीक है फिर आता है यहाँ पर हाइड्राजाइन फिर आता है यहाँ पर टू फोर डी एन पी एक दो और हैं बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है टोटल हमें पांच अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शंस होती हैं इनमें से तीन आप लोगों ने ये वाले जरूर याद रखने हैं रिएक्शन बड़ी इजी है कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं हमने यूज किया है इथेनल तो इथेनोल का जो सी डबल बोन्ड ओ वाला है पार्ट उसकी ही सिर्फ रिएक्शन होगी कोई भी एल्डिहाइड कीटोन आप लोग यूज कर लीजिए ऑक्सीजन उतर जाएगा और यहां से ये जो एन टू है एनएच टू का हाइड्रोजन उतर जाएंगे दोनों तो ये जो एन है एन जाकर बोन्ड बनाएगा इस सी के साथ तो ये दोनों आपस में अटैच होंगे ऐसे यहां पर सी के साथ डबल बोन्ड एन बना लेगा तो बाकी सारी स्ट्रक्चर एज इट इज ही रहने वाली है तो एन के साथ जो है वो यहां से सी और एन में ही के डबल बोंड बन जाएंगे ठीक है और साथ में इसको जो अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन हटा दें तो एन और ओ OH एच बच गया एन ओ एच यहां पर अटैच हो गया विद डबल बोंड और साथ में एच टू बनता है वो एक बाई प्रोडक्ट है वो मैंने शो नहीं किया ऐसे बनते हैं हाइड्रोक्सल के साथ रेक्ट होकर इनको बोलते हैं ऐसे आप लोग करेंगे, तो उसका भी एक दो हाइड्रोजन से हटा दीजिए तो जोड़ देना है N -N -2, तो ये बनेंगे हाइड्राजोन्स हाइड्राजाइन से हाइड्राजोन और ऐसे आप लोग टू फोर डी एन पी टू फोर डी एन पी क्या होता है टू फोर डाइ नाइट्रो ये दो लगे हैं नाइट्रो ग्रुप टू फोर डाइनाइट्रोफिनाइल ये हो गया आपकी फिनाइल हाइड्राजाइन ये रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है टू फोर डी वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर याद कर लेना ठीक है तो यहां से भी ये दोनों हाइड्रोजन हटाने हैं तो ये दोनों हाइड्रोजन आप लोगों ने हटाए तो ये जो N है ये जाकर अपने दो इस कार्बन के साथ बनाएगा बाकी सब कुछ एज इट इज है मतलब अगर आपको रीजेंट का फार्मूला याद है तो अटैचमेंट करनी बिल्कुल सिंपल है N के साथ वाले दोनों हाइड्रोजन हटाओ और एन के कार्बन के साथ डबल बोन्ड बना दो तो आपका आंसर मिल जाएगा और जिनके भी नाम हाइड्राजाइन हाइड्राजाइन के साथ हैं उनके नाम्स बाद में बन जाएंगे हाइड्राजोन्स ठीक है तो बस इतना यहाँ पर चेंज होगा और सिमिलरली एक एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद करनी है दैट इज दैमी कार्बोसाइड इसका जो फोर्थ हमारा है यहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव इसमें ये दोनों हाइड्रोजन आप लोगों ने हटाने हैं जो एन सी ओ के साथ डायरेक्टली अटैच हैं वो नहीं रिएक्शन में यूज़ होंगे दूसरे वाला यूज होगा क्योंकि ये दोनों रेजोनेंस में यूज हुए जो होते हैं सी ओ ग्रुप के साथ इसलिए ये ग्रुप एज इट इज़ ही रहने वाला है और ये जो एन के साथ दो हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हैं यही यूज़ होंगे सिर्फ ठीक है तो ये आपने यूज कर कर प्रोडक्ट को बना देना है इसके बाद तो कोई भी यूज कीजिए उसकी रिडक्शन करेंगे तो हमें अलकेन सिंपल अल्केन चेन मिल जाएगी क्लैम्सन में हमने एक इथेनल यूज किया है एक एल्डिहाइड यूज किया है रिडक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं जिंक अमलगम जिंक इन दी मरकरी इसको बोलते हैं जिंक अमलगम और साथ में हमने यूज किया है कंसनट्रेटेड एच ठीक है तो ये दोनों मिलकर अपने में से हाइड्रोजन बनाएंगे ये चारों हाइड्रोजन इसी में से ही आए हैं ठीक है इस पूरी चीज में से आए हैं तो ये चारों हाइड्रोजन यहाँ से ऑक्सीजन को हटाकर इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच कर इसका अलकेन बना देंगे और बाकी के दो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे तो वो यहाँ से एच टू बना देंगे ऐसे आप लोग सिंपल अल्केन बना सकते हैं बाय यूजिंग दी क्लैंपन रिडक्शन जिंक अमलगम एंड दी कंसनट्रेटेड एच इसमें यूज होते हैं क्लियर है इसके बाद है हमारे पास रिएक्शन वोल्फ किश्नर वोल्व किशनर मैंने आपको इसी में ही रख दी है तो आप लोग यहाँ से इसे अच्छे से याद कर सकते हैं इसमें भी आप लोग कोई भी एल्डिहाइड और किटोन को यूज कर पाएंगे सिमिलर आंसर मिलेगा आपको सिंपल अल्के मिलेंगे बट यहाँ पर क्या यूज करना है पहले स्टेप में एन एच टू एन एच टू ये मैंने आपको अभी बताया अमोनिया डेरिवेटिव है हाइड्राजाइन इसको बोलते हैं हाइड्राजाइन तो पहले स्टेप में हाइड्राजाइन ऐड होगा दूसरे स्टेप में जो चीज बनेगी उसको ब्रेक करने के लिए क्यों एच इन दी प्रेजेंस ऑफ द ग्लाइकोल ये यूज किया जाएगा ये दोनों यूज करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा सिंपल अल्केन और साथ में बनेगी नाइट्रोजन ठीक है क्लैमसन में साथ में बना था एच टू ओ इसमें बनेगी नाइट्रोजन ये बात आप लोगों ने याद रखनी है क्लियर है ये दोनों रिएक्शन अल्के बनाती हैं एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन सिंपल अल्केन में अगर आप लोगों ने चेंज करना हो प्रैक्टिस कीजिए प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बनाएगी इनकी एग्जाम्पल्स खुद आप लोग कोई भी एग्जाम्पल यहां से लेकर सोल्व कीजिए तो आपको बहुत ही अच्छा यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सभी रेक्शन याद हो जाएंगी क्लियर है अभी इसके बाद है अल्डोल कंडेंसेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ दिस चैप्टर एल्डिहाइड और किटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होती है वो इस रेक्शन में यूज किए जाते हैं अल्फा हाइड्रोजन यानी कि कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बोंड है दैट इज द कार्बोन ग्रुप है उसके साथ वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है दीज आर कॉल्ड दी कॉल्डा हाइड्रोजन तो ये सभी हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं एल्फा हाइड्रोजन ठीक है तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये अगर होंगी सब्सटेंस में तो ही ये रिएक्शन हो सकती है अदरवाइज अल्डोल कंडेंसेशन बिल्कुल नहीं होगी तो होता क्या है अल्डोल कंडेंसेशन में वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है तो अल्डोल कंडेंसेशन में अब क्या होगा कि सेम एल्डिहाइड के दो मोलिक्यूल यूज होंगे या फिर कीटोन के ठीक है और जो इस साइड पर है इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका अल्फा हाइड्रोजन यानी कि जो यहां पर हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन जाएगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा यहां पर क्या बच गया फिर CH2 बच गया वो सी एच टू जो कार्बन है वो जाकर इसे C के साथ बॉन्ड क्लियर है तो यहां पर बन जाएगा ओ OH एच और बॉन्ड यहां पर एक बच जाएगा ठीक है ना सिंगल बॉन्ड दूसरा तो ब्रेक हो जाएगा तो बॉन्ड यहां पर हमारा बच जाएगा सिंगल तो यहां पर बन जाएगा ओ OH, एच तो ये जो ch two है यहाँ पर बच गया हमारा ch two ये ch two जाकर इस कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा तो क्या बना ch three यहाँ पर था ch ch three ch और ऊपर बन गया oh ठीक है और यहाँ से ch two ch o ने जाकर इसके साथ अटैचमेंट कर ली तो ये होता है अल्डोल अल्डोल क्यों क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप दोनों एक ही कंपाउंड में है इन दोनों के शॉर्ट नेम्स यूज कर लिए अल्डोल ऐसे हमारा अल्डोल बन जाता है अल्डोल को आगे आप लोग हीट करेंगे तो वो हीट होकर हमें आगे बाद में डिहाइड्रेशन कर देगा एच टू को यहाँ से बाहर निकल आएगा इसको आप लोगों ने हीट करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ द एसिड तो आपने इसको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अगर हम लोग इसकी डिहाइड्रेशन करवा देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा दैट इज दी यहाँ से ओ OH एच गया यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा ठीक है यहां से हाइड्रोजन गया यहाँ से एच गया तो यहां पर डबल बोन बन जाएगा सो दिस इज ब्यूट टू इन अल तो अगर एक ही कंपाउंड में एल्डिहाइड एंड अल वाला दोनों ग्रुप्स हो हो एल्डिहाइड भी वाला नेम भी हो तो मतलब वो अल्डोल कंडेंसेशन का ही प्रोडक्ट है यहां से आपको आइडिया हो जाएगा क्लियर है और जिन एल्डिहाइड और किटोन्स में मोस्टली एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो उनमें ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होने वाली जैसे कि एच सी एच ओ इसके पास तो कार्बन ही एक है तो साथ में कोई कार्बन ही नहीं होगा अल्फा कार्बन ही है नहीं तो हाइड्रोजन से आएंगे इसमें ये जो है सो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन ये जो बेंजीन वाला यहाँ से कार्बन होता है दिस इज अल्फा कार्बन इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन एटम है नहीं सो so इसके साथ तो, so इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं इसमें भी ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होने वाली ठीक है तो इनमें ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती सो इनमें होती है फिर क्रोस अल्डोल so ना। इसके बाद आती है क्रोस अल्डोल हम लोग एक एल्डिहाइड कीटोन वो यूज करेंगे जिसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन हो वो आपस में अटैच होकर यहाँ पर अल्डोल बना देते हैं जैसे हमने यूज किया है जहां पर फॉर जिसके पास के कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती तो साथ में है एस्टेलडीहाइड जिसकी के अल्फा हाइड्रोजन जाकर अटैच होगी ऑक्सीजन के साथ और यहाँ से सी एच टू ग्रुप जाकर इसे सी के साथ बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से हमें अल्डोल प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको कि हीट करने के बाद उसकी डिहाइड्रेशन होकर हमें ये प्रोडक्ट मिल सकता है ठीक है तो ऐसे आप लोग अल्डोल कंडेंसेशन की तरह ही सिमिलर आप लोग यहाँ पर क्रॉस अल्डोल को भी सोल्व कर सकते हैं ठीक है तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है और अगर हम लोग दो यहां पर डिफरेंट एल्डीहाइड्स को यूज कर लें या फिर कीटोन्स हों दो अलग अलग जिन दोनों के पास ही अल्फा अल्फाहाइड्रोजन हों तो अल्डोल कंडेंसेशन में हमें फोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स मिलेगा ठीक है वो भी आप लोगों ने याद रखना है सो इसलिए एक वो एल्डीहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो दूसरे में हो तो हमारी क्रोस अल्डोल होकर एक ही प्रोडक्ट वहां पर मिलता है क्लियर है मतलब मेजर एक प्रोडक्ट मिलता है तो आगे चलते हैं इसके बाद है रिएक्शन तो वो में क्या होता है कि जिन एल्डिहाइड्स में ओनली फॉर दी एल्डिहाइड्स जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन ना हो वो कंसंट्रेटेड अल्कली की प्रेजेंस में सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर लेते हैं जैसे कि यहां पर हमने यूज की है फॉर्मेल्डिहाइड की एग्जाम्पल आप लोग बेनजेल्डी भी यूज कर सकते हैं जिन एल्डिहाइड्स में नो अल्फा हाइड्रोजन

तो अल्फा हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन की जो हाइड्रोजन है वो हम लोग हेलोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं सीएल टू या फिर बी आर टू विद रेड फोर्सफोरस और सेकेंड स्टेप में एच टू एड करेंगे तो हमारी यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहां पर हेलोजन अटैच हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर है तो ऐसे अगर आप इसको एक इस रिएक्शन को फिर से रिपीट कर सकते हैं और ये दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है यानी कि अल्फा पोजीशन के सभी हाइड्रोजन आप यहां से वन बाय वन रिप्लेस कर सकते हैं सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ठीक है तो आगे चलते हैं दैट इज द डी कार्बोक्सीलेशन रिएक्शन डी मतलब रिमूव करना कार्बोक्सीन यानी कि कार्बन एंड ऑक्सीजन को हमने रिमूव करना है तो यहां से क्या होगा हम लोग एसिड के सॉल्ट यूज करेंगे सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ से ये जो पूरे का पूरा हमारा ग्रुप है वाला ये हमारा यहां से रिमूव हो जाएगा ठीक है तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा बाय यूजिंग सोडा लाइम के साथ अगर हम इसको हीट करेंगे सोडा लाइम क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर इन रेशो थ्री रेशो वन ठीक है इसके साथ हम इसे हीट करेंगे तो यहां से सीओ टू ये सी और दोनों ऑक्सीजन और साथ में सोडियम ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा तो हमारा जो आर है उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होकर एक सिंपल अल्केन बन जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अलकेन बनाने हो तो हम लोग यूज करते हैं डिकार्बोक्सीन ठीक है और साथ में एन यानी कि सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्केन डिकार्बोक्सीेशन अगर एलडी हेड को अलकेन बनाना हो तो दो रेक्शन थी कौन कौन सी क्लैम्पसन रिडक्शन एंड वोल्फ किशनर रिडक्शन तो ये बातें याद रखिएगा ये आपकी कन्वर्जन रेक्शन में भी यूज होंगी क्लियर है अभी तो आगे चलते हैं इसकी इनकी सभी की एग्जाम्पल्स आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है एग्जाम्पल यानी कि आप लोग अल्काइल चेन कोई भी यूज कर लेना एक कार्बन की दो कार्बन की उसकी एग्जाम्पल बनाकर उसकी प्रैक्टिस करना तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्लियर है अभी तो आगे हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ दी अल्काइल बेंजिन अल्काइल अलकाइल यानी कि बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल चेन अटैच हुई है जैसे कि यहां पर एक कार्बन वाली अल्काइल चेन है बेंजीन के ऊपर इसका नाम क्या होता है अभी टोलुइन इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करवाएंगे विद स्ट्रॉग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज दल्केलाइन पोटासियम पर मेगानेट एंड सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां से हमें बेंजोइक एसिड मिल जाएगा अगर इसकी पार्शियल ऑक्सीडेशन करते जो कि हमने इटार्ड रिएक्शन में की थी तो हमें भंजल्डी मिलता था क्लियर है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चाहे हम लोग ऊपर वाली चेन में तीन कार्बन रख लें या एक कार्बन रखें या फिर कुछ ऐसा ग्रुप अटैच कर दें हमें हमेशा बेंजोइक एसिड ही मिलेगा यानी कि ये दोनों कार्बन यहाँ से रिमूव होकर अपने कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनाएंगे और ये जो हमारा कार्बन एटम है बीच वाला यही यहाँ पर ऑक्सीडाइज होकर हमें बेंजोइक एसिड बनाकर देगा ठीक है तो इसी से ही बेंजोइक एसिड बनेगा जरूरी क्या है कंडीशन क्या है कि जो कार्बन बेंजीन के साथ अटैच हुआ है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए ठीक है तो इसके पास हाइड्रोजन होगा तो ही उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो बेंजोइक एसिड बनाएगा अगर कुछ ऐसा हो जिसके पास कोई हाइड्रोजन ही ना हो ठीक है बेंजीन के साथ जुड़े कार्बन पर कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो इससे ये रिएक्शन होना नॉट पॉसिबल ठीक है इससे बेंजोइक एसिड बिल्कुल नहीं बनेगा ऑक्सीडाइज होकर ये बात आप लोगों ने याद रखनी है क्लियर है अभी तो आगे चलते हैं रिडक्शन ऑफ द क्या होते हैं जब अल्काइल ग्रुप यहाँ पर एन एच टू के साथ जुड़ जाते हैं एन के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी थर्ड डिग्री अमाइंस भी यहां से मिल जाते हैं ठीक है तो हमने यहाँ से यूज किया है दैट इज नाइट्रो इथेन ठीक है तो दो कार्बन वाली चेन विद एनओ टू इसकी रिडक्शन करवाएंगे अलग अलग ऑप्शन है रिडक्शन के लिए हमेशा की तरह हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और दी दैलेटनियम या फिर एस एन इन द प्रेजेंस ऑफ एच सी एल तो इन दोनों में से आप लोग कोई भी एक रीजन यूज कीजिए इसकी रिडक्शन करवाना तो ऑक्सीजन हटकर यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे तो हमें यहाँ पर अमाइन मिल जाएगा इथेन अमाइन बन जाएगा दिस इज द प्राइमरी अमाइन सिमिलरली आप लोग नाइट्रोबेनजीन को कन्वर्ट कर सकते हैं टू दिनीलिन बेंजीन के ऊपर एन एच टू जुड़ा हो दिस इज कॉल्ड एनीिलीन ये भी एक प्राइमरी यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन है क्लियर है अभी

तो हमने क्या करना है अमाइड्स क्या होते हैं तो सीओ रिमूव होकर आर सीधा एन एच टू के साथ जुड़कर तो तो जुड़ हमें अमाइन बना देगा प्राइमरी अमाइंस यहां से बन जाएंगे क्लियर है अभी सिंपल रिएक्शन थी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अगर आपने अमाइड से अमाइन बनाने हो सीरीज अपने कंपाउंड की जो वहां पर चेन है उसका साइज हमने एक कार्बन से छोटा कर दिया है इसलिए इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं बाई प्रोडक्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे सिमिलरली आप लोग बेंजामाइड से एनिलीन बना सकते हैं ये आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है खुद सॉल्व कीजिएगा फिर ही आएंगे रिएक्शन क्लियर है तो आगे है इसी में से मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन एक्शन गैब्रियल्सिमाइड सिंथेसिस इससे आप लोग प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस बना सकते हैं प्राइमरी एलिफेटिक ओनली नॉट एरोमेटिक ठीक है क्योंकि तो इसमें होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन तो एरोमेटिक में न्यूक्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन करवाना काफी डिफिकल्ट होता है इसमें होगा क्या हम लोग पैथेलीमाइड यूज करेंगे सबसे पहले अल्कोहलिक के ओ ऐड किया सिर्फ क्या होगा हाइड्रोजन की जगह पर पोटाशियम आ जाएगा यानी कि इसको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम लोग यहाँ से बना देंगे अब ये न्यूक्लियोफाइल यानी कि ये जो एन है ये अल्काइल हलाइड हमने ऐड कर दिया सी टू एच फाइव बी आर ठीक है ब्रोमोइथेन इसके ऊपर ये अटैक करेगा और इस कार्बन चेन को अपने साथ जोड़ लेगा ठीक है इसके बाद में हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस होगी तो यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे बोन्स और एन जो है वो अल्काइल चेन के साथ अटैच था उसके साथ हाइड्रोजन अटैच होकर हमें अमाइन मिल जाएगा प्राइमरी और जो ये कंपाउंड रिमेनिंग था बचा बेंजीन के साथ सीओसीओ सी ओ इनके साथ ओ एच अटैच होकर हमें पथेलिक एसिड मिल जाएगा ठीक है अब ये जो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैच हो रहा है इस स्टेप में ये सिर्फ एलिफेटिक अमाइन जो एलिफेटिक अल्काइल लाइट्स होते हैं उनके ऊपर हो सकता है अगर हम लोग यहाँ पर ब्रोमोबैंजीन यूज़ कर लें उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है इसलिए सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस इससे हम लोग बना सकते हैं ओके okay, अभी एनिलीन इससे हम लोग नहीं बना पाएंगे तो सो दीज आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शंस फॉर दी फ्रॉम दी अमाइंस चैप्टर बहुत बार एग्जाम में आई हैं अभी इनकी एक और रिएक्शन है इसी के साथ ही तीसरी वो हमने डिस्टिंगशन में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन की थी कार्बाइल अमाइन आइसोसाइनाइड टेस्ट जो कि सिर्फ प्राइमरी माइन ही शो करते हैं चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो यानी एनिलीन भी शो करता है तो प्राइमरी माइन है हमारे पास इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद दि विद दि क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी जब रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केवएच इसको वॉम करेंगे ठीक है हल्का सा हीट करेंगे तो क्या होगा यहाँ से आइसोसाइनाइड बन जाएगा आर के साथ यहाँ से हाइड्रोजन हटकर एन सी अटैच हो जाएगा आर एन सी बन जाएगा इसकी फाउल स्मेलिंग होती है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि आइसोसाइनाइड फॉर्म हो चुका है इसका मतलब वो हमारा प्राइमरी माइंड था तो ऐसे आप लोग प्राइमरी माइंडस की डिटेक्शन कर सकते हैं ठीक है भाई क्लियर है ये भी रिएक्शन याद रखिएगा ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so इसके बाद हमारे पास कुछ डाइजोनियम साल्ट की तो डाइजोनियम साल्ट से हमने इससे पहले क्लोरो बेंजिन, 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 फिनोल ये सब कुछ बनाया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भी। इससे अगर आपको इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद द एनिलीन इन दी इन आइस कोल्ड मिक्सचर तो एनिलीन के साथ रेक्ट होकर भी ये हमें एजो डाइज बना देते हैं तो एनिलीन और फिनोल के साथ ये रेक्ट होकर एजो डाई बनाता है तो होता क्या है इसके ये जो यहाँ पर पैरा वाला कार्बन एटम है पैरा पोजिशन वाला जो यहां पर इसका कार्बन एटम है और यहाँ से ये यह जो एन है ये आपस में अटैचमेंट कर लेंगे ये और ये और दोनों रिंग्स आपस में अटैच होकर एजो डाई बना देती हैं तो ये हमें ऑरेंज येलो कलर की डाइज मिलती हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है फिनोल के साथ भी ऐसे ही सेम बनाएगा ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी है अगर आप लोग ध्यान से फाइल को रीड करेंगे तो आपको इसके बारे में आइडिया हो जाएगा ठीक है भाई और ऐसे ही अगर हम इसमें हाइपोफोस्फोरस एसिड एच थ्री पीओ टू एड करते हैं इन द दी एच टू या फिर इथाइल कोहल ऐड कर, कर हम इसे हीट करते हैं तो ये दोनों ही ऑप्शन से आप लोग बेंजीन बना सकते हैं तो डाइजोनियम साल्ट को बेंजीन में भी चेंज कर सकते हैं ठीक है तो ये आपको बेंजीन मिल जाएगी क्लियर है और ऐसे ही अगर हम लोग इसमें के सी एन विद सी यू सी एन को ऐड करते हैं तो बेंजीन के ऊपर सी एन अटैच हो जाएगा तो हमें बेंजीन नाइट्राइल यहाँ से मिल जाएगा तो ऐसे आप लोग डाइजोनियम साल्ट से बहुत सारे कंपाउंड्स और बना सकते हैं सो so, इसकी सभी रेक्शन को याद रखना ये आपकी कन्वर्जन रेक्शन में बहुत ही यूज होने वाली हैं सिमिलरली अगर हम लोग की बात करें ऑफ एनिलीन इसको क्यों किया जाता है क्योंकि एनिलीन की रिंग एक्टिवेट होती है अगर हम लोग इसमें ब्रोमिन वगैरह ऐड करना चाहें तो वो दोनों ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैच होकर हमें एक प्रेस्पिटेट बना देती हैं यानी कि टू फोर सिक्स ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट्स बना देती हैं मोनो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एनिलीन की असाइलेशन करनी पड़ती है बाय यूजिंग दी एस्टिक एन तो एस्टिक एन जैसे कि सी एच थ्री सी ओ विद ऑक्सीजन सी ओ सी एच थ्री तो ये होता है भी एस्टिक एन तो इसमें से ये ये जो असाइल ग्रुप है ये जाकर ऊपर अटैच हो जाता है यहाँ पर जिसके साथ के रिंग की एक्टिविटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है तो फिर हम इसमें बी आर टू और सेकेंड स्टेप में हम इसमें एच पॉजिटिव ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें मोनो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और दोबारा से ये चीज बाहर यहाँ से रिमूव होकर एन एच टू हमारा फिर से बन जाता है जब इसमें इसमें हम लोग एच पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ऐसे आपको मोनो सब्सिट्यूटेड प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल जाते हैं बाय यूजिंग बायिंग दसाइलेशन ठीक है इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमाइनो ग्रुप ठीक है तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो ये थी आपके लिए अभी फोर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको अच्छे से याद कर लेना आपकी कोई भी इसमें से कन्वर्जन रिएक्शन आएगी वो भी आपकी बिल्कुल ईजिली यहाँ से हो जाएगी तो इसके अलावा कुछ और रैक्शंस हैं जैसे कि एस एन वन एस एन टू मकैनिज्म ये आपको मकैनिज्म वाली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए गए हैं इसके बाद कुछ डिस्टिंक्शन्स के लिए होती हैं टेस्ट जैसे कि लुक्काज टेस्ट फॉर दी कोहल्स रिएक्शन ऑफ द फिनोल विद ब्रोमिन वाटर फिर आगे टोलेंस टेस्ट फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट आइडोफॉर्म टेस्ट ये सभी एल डी हेड के टोन के लिए हैं फिर आ गया हिंसबर्ग टेस्ट फॉर अमाइंस ये सब कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट वाली वीडियो में है इसलिए मैंने यहाँ से उनको स्किप किया है ये आपने वहाँ से रैक्शंस को याद कर लेना है ठीक है फिर आगे आपके एसिडिक करेक्टर ऑफ द फिनोल एसिडिक करेक्टर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस, ये सब कुछ हमारे जो अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर्स वाली मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है उसमें सब कुछ है तो ये आपने वहां से अपना सभी टॉपिक्स को कवर कर लेना है ठीक है तो ये थी आपके लिए फोर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन्स आई थिंक के आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी हमारे सभी तरह के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे उसको ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि उन सबकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत तो हेल्प हो जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो